This is exercise 4.1. This exercise is important for short question as well as long question. Here is the question number 3. Reduce the following rational expressions to the lowest form. So what is the lowest form? Lowest form means you have to divide all the numbers and variables until they have no common factors. That means jab aap koi se bhi do numbers ya variables ko divide karwayenge to uske baad wo mazid jo hai wo divisible na rahe. तो वो हमारी हो जाती है लोएस्ट फॉर्म. सो लेट्स स्टार्ट. आई एम गोइंग टू सॉल्व पार्ट नंबर 1. इन दिस क्वेश्चन वी हैव 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड जी 5 इन न्यूमिरेटर एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव 30 एक्स क्यूब वाई रेज पावर 1 एंड जी स्क्वायर. बोथ आर इन डिविजिबल फॉर्म. So we have to divide all the terms. As you know that constant terms are divisible by each other and same variables are divisible by each other. That means x जो है वो सिर्फ x के साथ ही सॉल्व होगा, y y की टर्म के साथ सॉल्व होगा और z जो है वो z की टर्म के साथ सॉल्व होगा. आपने चैप्टर नंबर 2 में लॉ ऑफ इंडिसेस और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लर्न किए थे, जिसमें हमने ये सीखा था कि जब हमारे पास सेम वेरिएबल्स डिवीजन में आ जाएं तो उनकी पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं. तो यहाँ पे भी हमने सबसे पहले इन दो नंबर्स को डिवाइड करवाना है. अगर ये 30 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 120, तो हम वो करवा देंगे. अदरवाइज़ दोनों को किसी सेम नंबर पे डिवाइड करवाएंगे और तब तक करवाएंगे जब तक कि वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में ना आ जाए, यानी कि वो मज़ीद डिविजिबल ना रहें. सो इन नेक्स्ट स्टेप इन सॉल्यूशन वी आर गोइंग टू डिवाइड 120 बाय 30. So we can cut 0 with this 0 and 3 4s are 12. So 34s are 120. ये हमने डिवाइड करवा लिया. अब इन वेरिएबल्स को सॉल्व करवाएंगे हम. इसमें हमने क्या देखना है कि जो ग्रेटर पावर है, जैसे हेयर वी हैव एक्स रेज पावर 2 एंड एक्स रेज पावर 3. सो अगर डिनोमिनेटर में ग्रेटर पावर आ रही है तो हमने ऊपर से पावर नीचे ला के माइनस करवा देनी है. अगर न्यूमिनेटर में पावर ग्रेटर है तो हमने नीचे से पावर ले जा के ऊपर माइनस करवा देनी है. सो लेट स्टार्ट. नंबर्स हम सॉल्व कर चुके हैं, उनका आंसर हमारे पास आया 4. हेयर एक्स रेज पर 3, सो ऊपर पावर 2 है तो वो नीचे ला के हम माइनस करवाएंगे. हेयर वाई क्यूब एंड हेयर इज़ 1, सो 3 माइनस 1. एंड जी 5 इज़ ग्रेटर पावर देन 2, सो 5 माइनस 2. अब इनको सॉल्व कर लें, वेरी इजी एंड सिंपल. वाई रेज पर 2, z रेज पर 3 एंड इन डिनोमिनेटर x रेज पर 1. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1. हियर इज़ पार्ट नंबर 2. 8a इंटू एक्स प्लस 1 एंड 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1. अब इस क्वेश्चन में जो है वो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन थोड़ा डिफरेंट वे में होगी. हमने इन तमाम क्वेश्चंस में करना सबको लोएस्ट फॉर्म में है, करना सबको फैक्टराइज ही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन जो है दूसरे से वेरी करेंगी. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टर्म्स आपस में डायरेक्टली डिवाइड हो रही हैं हम उनको डायरेक्टली डिवाइड करवा देंगे, और जो टर्म्स डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो रही हैं उसमें देखेंगे कि हमारे पास कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा. पीछे अभी आपको जो मैंने फार्मूलाज बताए थे, कुछ उसमें स्क्वायर के थे कुछ क्यूब के थे, तो उसमें से हमने चेक करना है कि कौन सा फार्मूला हमारे पास यहाँ गिवन क्वेश्चन पे अप्लाई हो रहा है. सो हेयर वी आर गोइंग टू कट दिस एज बाय 2, सो 2 4s आर 8. ए जो है वो किसी से कैंसिल नहीं हो रहा. अब हमारे पास ये दो टर्म्स बची हैं, x प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर माइनस 1. अभी हमने एक फार्मूला जो है वो देखा था कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. इट मीन्स कि व्हेन यू हैव टू टर्म्स विद स्क्वेयर एंड बिटवीन वी हैव माइनस साइन, तो उनको हम कैसे राइट करेंगे? उन्हीं दो टर्म्स को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस के साथ ज्वाइन करेंगे. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एक्स के ऊपर भी स्क्वेयर है, और 1 की पावर हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि 1 ने हमेशा 1 ही रहना है, उसको आप चाहे 1000 टाइम मल्टीप्लाई करवा लें. सो स्क्वेयर मीन्स होता है कि हमने जो बेस में नंबर है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 1 विद 1 इट गिव्स अस आल्सो 1. सो हेयर वी हैव 2 टर्म्स विद स्क्वेयर एंड इन मिडल वी हैव माइनस साइन. तो हम इनको जो है इन दो टर्म्स को इसके अकॉर्डिंग जो है ओपन करेंगे. डेट मीन्स वी कैन राइट इट एज एक्स एंड 1 विद प्लस एंड एक्स एंड 1 विद माइनस साइन. हमने इन दो टर्म्स को यूज़ करके हुए ये फार्मूला अप्लाई किया है कि जब दो टर्म्स के ऊपर स्क्वायर हो और दरमियाने माइनस का साइन आए
उन दो टर्म्स को हम एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ ज्वाइन करेंगे और दरमियान में वो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो यहाँ पे हमने ए और बी की जगह टर्म यूज़ किए एक्स एंड वन, सो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। नाउ यू कैन सी एक्स प्लस वन कैन कट विद एक्स प्लस वन, सो रिमेनिंग टर्म इज़ फोर ए ओवर एक्स माइनस वन। अब ये देखिए, अब इन दोनों जो है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में से कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सके, सो दिस इज़ आर लोएस्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन। नाउ दिस इज़ पार्ट नंबर फोर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज़ आर न्यूमिनेटर, एंड एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज़ आर डिनोमिनेटर। वी कैन सी डैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज़ ऑल्सो एन फॉर्मूला, एंड एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज़ ऑल्सो अ फार्मूला, और जो नीचे डिनोमिनेटर में वो भी हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। ये हमारे पास क्लोज्ड फॉर्म है, ये हमारे पास ओपन फॉर्म में एक फार्मूले की, और ये भी हमारे पास ओपन फॉर्म है। यहाँ पे कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। उस क्वेश्चन में हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, वहाँ पे अब क्या था कि हमारे पास टर्म्स एक्स और वाई में हैं और यहाँ हमारे पास टर्म्स ए और बी में हैं, लेकिन हमने पैटर्न को फॉलो करना है। वहाँ हमने देखा था कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब था, तो डेट मीन्स उसमें हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ इसकी क्लोज्ड फॉर्म ये है और उसकी ओपन फॉर्म क्या है, ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए और बी की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, एक्स और वाई। तो जब हम इसकी जगह एक्स वाई यूज़ करें तो ये बनेगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये एक फार्मूला उस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है, और यहाँ से हमारे पास एक ये फार्मूला उस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है। यहाँ पे ये ए बी के साथ राइट है और वहाँ पे वो एक्स वाई के साथ राइट है। अब इस क्वेश्चन में टू वेज हैं इसको सॉल्व करने की, एक ये कि या तो आप इसको ओपन कर लें या ये नीचे वाले को हम क्लोज़ कर लें। तो यहाँ इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि नीचे वाले को मैंने क्लोज़ कर दिया, क्योंकि ये दोनों फार्मूला सेम ही हैं, ये इसी फार्मूला की क्लोज फॉर्म है, और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है ये ऊपर वाले की ओपन फॉर्म है। तो मैंने इन दोनों को कंबाइन करके क्लोज्ड फॉर्म में राइट किया, डेट इज़ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। हमने इनको इसलिए ऐसे कन्वर्ट किया क्योंकि हमने इनको कैंसिल करवाना है टर्म्स जो इसमें हो सकती हैं कैंसिल, और टर्म अब ऐसे नहीं होगा कि सिंगल, जब वो प्लस माइनस साथ कनेक्टेड हैं तो वो सिंगल सिंगल टर्म हम ऊपर नीचे कैंसिल नहीं करवा सकते, हमने पूरी पूरी ब्रैकेट ही कैंसिल करवानी है। सो हेयर वी कैन नाउ कैंसिल एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विद एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, रिमेनिंग टर्म हमारे पास ये बची, और ये तीनों टर्म्स मिला के हमारे पास स्क्वेयर का फॉर्मूला बना रही है ए माइनस बी होल स्क्वेयर। सो हमने उसको भी क्लोज फॉर्म में राइट कर दिया, दिस इज योर आंसर।